देखिए घर में तो कोई नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं सब। और देखिए इधर लक्ष्मी आराम कर रही है, बहुत ज़्यादा एकदम परेशानी में थे सुबह से, एकदम दुविधा में थे। लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा एकदम सीरियस लग रहे हैं, एकदम पूरा एकदम ताकत नहीं मिल रहा है इनको, और इनका माथा घुरल घुरल टाइप का लग रहा है, एकदम दर्द कर रहा है। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और देखिए हम रेडी हो गए हैं दोस्तों सुबह सुबह ससुराल जाने के लिए। और आप लोग तो कल का वीडियो में देखे ही दोस्तों, कविता जी को ले गए हैं उनके माता पिता अपना घर, और वहाँ पर वैद्य जी से दिखाने के लिए ले गए हुए हैं। तो वहाँ पर एक ठो वैद्य रहते हैं उनका गाँव में, तो उन लोग सोचे कि थोड़ा सा यहाँ पर दिखवा लेते हैं, झाड़ फूँक थोड़ा सा करवा लेंगे, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो इसीलिए ले गए हैं दोस्तों कल है। तो रात में बात हुआ था उनसे, तो बोले कि दवा वगैरह सब हो गया है, झाड़ फूँक भी हो गया है, अभी कंडीशन ठीक लग रहा है, मतलब उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है। तो फिर भी सोचे कि जा कर के देखते हैं उनका कंडीशन कैसा है, और ज़्यादा गंभीर होगा तो उनको हॉस्पिटल ले करके चलेंगे, और फिर वहाँ पर दवा वगैरह करवा करके फिर ले आएंगे, जैसा रहेगा उस हिसाब से फिर करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम वहीं पर जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं दोस्तों बढ़िया तरह से। और देखिए सामान वगैरह भी सब पैकिंग कर लिए हैं दोस्तों, जो कल मामू जी खोले हुए थे लाइट वगैरह, वो सारा चीज़ इस पेटी में पैक कर दिए हैं, और कुछ झोला में भी है, तो इसको भी लेते चलेंगे क्योंकि वही रास्ते में पड़ता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, पहले गाड़ी घुमाते हैं उसके बाद में फिर सामान वगैरह लोड करेंगे। तो अब फटाफट लोड करते हैं दोस्तों, आगे में ही रख देंगे, सेफ रहेगा, ये झोला को आगे तरफ टांग देंगे। तो अब चलते हैं फटाफट निकलते हैं, काफ़ी समय हो गया है, सुबह ही हमको निकलना था, लेकिन यही सब सामान पैक करने लगे ना तो ज़्यादा लेट हो गया। अब फटाफट चलेंगे। तो घर से हम निकल चुके हैं दोस्तों, अब सीधे चलेंगे ससुराल। और देखिए बारिश ज़्यादा होने के कारण से घर भी गिर गया है दोस्तों, ये देखिए दो घर गिरा हुआ है। देखिए रास्ते में कितने सारे बैल बकरी आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए अभी तो शुरुआत हो रहा है, अभी और भी चढ़ेंगे पहाड़ तरफ। और देखिए रोड के किनारे किनारे कैसा कैसा खेत है, ये देखिए पूरा एकदम हरियाली एकदम दिख रहा है। जय भोलेनाथ। तो अभी हम जहाँ पर बाज़ार लगता है दोस्तों वहाँ पर आ गए हैं, देखिए यहीं पर बाज़ार लगता है, मंगलवार को और शुक्रवार को बाज़ार लगता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल दुकान पहुँच गए दोस्तों, अब चलते हैं, पहले ही वाला पहुँचा रखते हैं। देखिए इधर सामने नहीं है बुलंद भैया। अच्छा, ये सोनिक वाला है क्या? अब चलते हैं पेटी वाला सामान लाते हैं। इसे बढ़िया है, फ्यूज है, सब फ्यूज है उसका, वो वाला पैकेटवा वाला जलता होगा? नहीं, जो खोल के दियो भी जलता है ना, तो कोई 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 वाला जलता है, कोई कोई वाला नहीं जलता है, एक दो इसमें से दीजिए एक और है। तो इलेक्ट्रिकल दुकान में तो काम नहीं बना दोस्तों, अब चलना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, वहीं पर समस्या का हल होगा, वहीं पर चेंज करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा लाइट है ना तो यहाँ पर इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहीं पर जाने के लिए बोल रहे हैं। अब सीधे चलते हैं यहाँ से रामगढ़, रामगढ़ में ही इसका होलसेल दुकान है, वहीं पर जा कर के देखते हैं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चेक करेंगे। यहाँ पर तो कुछ कुछ चेक किए हुए हैं, इंडिकेटर वगैरह, अब वहाँ पर लाइट वगैरह चेक होगा, कैसे नहीं जल रहा है, क्या खराबी है। चलिए रामगढ़ पहुँच गए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट सामान चेंज करते हैं। देखिए रहा इलेक्ट्रिकल का होलसेल दुकान, यहीं से सारा सामान उठाए थे भैया जी। है ये वाला हम घुसे, हमसे जब किधर मिल नहीं रहा है, एक और एक शोरूम खुला है ना महिंद्रा का सामने, महिंद्रा का तो यहाँ पे। देखिए अच्छा मान रहे हैं कि ये सब है, लेकिन ये सब का क्या कारण है, ये सब भी नहीं जलता है वैसा, मतलब क्या होता है ना, जैसे वायरिंग में आपको कुछ डिफेक्ट होगा, आप जैसे बोल रहे हैं ना, कभी कोई वाला जलता है कभी नहीं जलता है। तो जितना भी लाइट लाए थे दोस्तों एक्सचेंज करने के लिए, सारा लाइट एक्सचेंज हो गया है,
सब एकदम नया नया लाइट मिल गया है। देखिए इस पेटी में भी है और प्लास्टिक में भी है, सब नया घर में लगेगा ये सब। अब चलते हैं, अब ये वाला लगा करके देखते हैं ये वाला चलता है कि नहीं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना लाइट को लेकर के। तो ससुराल अब पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, तब चलते हैं इस चौक पर कुछ खाने पीने का सामान खरीद देते हैं कविता जी के लिए। तो अब देखते हैं सामने में इधर क्या चीज़ मिलता है, फल वगैरह मिलेगा तो वही ले लेंगे क्योंकि कविता जी फल लाने के लिए बोले हुए हैं। देखिए इधर फल का दुकान है एगो, इधर केला वगैरह है, इधर सेब है। कैसे दे रहे हैं भैया सेब? 120 का है। तो सेब और अनार ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे ससुराल। इधर सारा सामान ले लिए, सेब वगैरह ले लिए और अनार ले लिए, हो गया क्या अंकल जी? ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, चलते हैं। अब गाड़ी में भरते हैं सेब और अनार को और निकलते हैं। लोग डिक्की खोलते हैं तो फिर मिलते हैं दोस्तों ससुराल में सीधे। चलिए अभी चौक से निकल गए हैं दोस्तों और देखिए काफ़ी शाम हो गया है, सुबह निकले हुए हैं 10 बजे और देखिए इतना शाम हो गया। तो फाइनली अभी अभी पहुंच गए दोस्तों ससुराल का गांव। चलिए आ गए ससुराल। तो गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी है दोस्तों, साइड में लगा दिए हैं। अब चलते हैं अंदर जा करके देखते हैं कविता जी घर में हैं कि कहीं गए हैं। देखिए इधर कविता जी बैठे हुए हैं पीड़ा में, क्या कर रहे हैं जी? तबीयत ठीक हुआ? थोड़ा मोड़ा ठीक हुआ ना? चलिए सेब और अनार है, खा लीजिए। अब चलते हैं देखते हैं घर के अंदर कौन कौन है। देखिए घर में तो कोई नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं सब। और देखिए इधर लक्ष्मी आराम कर रही है, देखिए कितना मस्त सो रही है एकदम। तो चलते हैं दोस्तों अब थोड़ा देर आराम करते हैं, बैठते हैं। लक्ष्मी सो रही है? हेलो, अभी ये सो रही है, अभी नहीं उठेगी। घर में कोई नहीं है जी? कहाँ गए सब? तो घर में अकेले हैं? पापा गोरखी और मम्मी मरखी घर। तो अभी घर में तो कोई नहीं है दोस्तों कविता जी के अलावा, उन लोग गए हुए हैं अपने अपने काम पे। ससुर जी गए हुए हैं गोरखी और सासू माँ गए हुए हैं अभी मरखी घर, भोज है कहाँ पर तो वहीं पर गए हुए हैं। तो अभी घर में तो सिर्फ कविता जी ही हैं और लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी तो अभी सो रही है। तो देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग, जब तक आएंगे नहीं तब तक तो कोई डिसीजन होगा नहीं। और कविता जी को देखें दोस्तों, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहे हैं, उतना ज़्यादा बुखार वगैरह नहीं है। अब पता नहीं क्या चीज़ हुआ था, इनको तो उतना पता नहीं होगा, इनका माँ पिताजी को ही मालूम होगा, तो आएंगे तो पूछेंगे। अब थोड़ा दिन कुछ कुछ खाएंगे ना तो एकदम आराम से जो है इनको ताकत मिलने लगेगा और पूरा एकदम आराम से चलने लगेंगे। और देखिए अभी कविता जी चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए चीनी वगैरह निकाल करके लाए हुए हैं और देखिए पानी भी चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। देखिए पानी गर्म भी हो गया है, चीनी डालिए जी। तो कविता जी चाय बना लिए दोस्तों, देखिए रेडी हो गया है और देखिए गिलास में भी डाल लिए हैं। तो अब चलते दोस्तों फटाफट चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। सुबह जब से घर से निकले हैं दोस्तों तब से इतने ज़्यादा परेशान थे ना कि क्या ही बोले, एकदम चाय पानी भी करने का मौका नहीं मिला, एकदम ये दुकान से वो दुकान पूरा एकदम नाच रहे थे, कभी यहाँ जाना पड़ता है कभी वहाँ जाना पड़ता है, एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था लाइट को लेकर के। तो आज तो वो काम हो पाया है, अब उसको लगवाना बाकी है। तो अब देखते हैं कब फिर आते हैं मामू जी लगाने के लिए। तो चाय पानी हो गया दोस्तों और अभी अभी थोड़ा रिलैक्स मिला हुआ है हमको, बहुत ज़्यादा एकदम परेशानी में थे सुबह से, एकदम एकदम इधर कविता जी का अलग टेंशन था कि कब वहाँ पर पहुँच पाएंगे और उधर दुकान वगैरह का अलग टेंशन था, एकदम दुविधा में थे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम सोचते सोचते एकदम आए हुए हैं, जल्दी चलने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए इनके पास पहुँचते पहुँचते ज़्यादा शाम हो गया। तो आए यहाँ पर तो देख रहे हैं कि सास ससुर भी नहीं है, वो लोग भी गए हैं अपना अपना काम पे। अब इनका वहाँ पर क्या क्या निकला नहीं निकला कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभी कविता जी यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा, लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा एकदम सीरियस लग रहे हैं, एकदम पूरा एकदम ताकत नहीं मिल रहा है इनको, किसी तरह से तो चाय बना करके पिलाए हमको और अनार और से ला दिए हैं, तो अभी खाएंगे तो अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, बोल रहे कि खा लीजिए, तो बोल रहे कभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे,
और देखिए लक्ष्मी सो रही थी तो ये भी उठ गई है। क्या लक्ष्मी, लक्ष्मी जाएगी घर? लक्ष्मी भी घर नहीं जाने के लिए खोज रही है। और कविता जी को तो बोले हुए हैं कि दो चार रोज नहीं जाने के लिए, तो देखते हैं क्या चीज़ करना पड़ेगा। अब उन लोग आएंगे उसके बाद ही डिसीजन होगा। और देखते हैं दोस्तों, अगर आज तो पूरा शाम हो गया, जल्दी हम नहीं पहुंच पाए, नहीं तो आज ही ले जाते हॉस्पिटल। तो देखते हैं अब सुबह तरफ ले जाएंगे इनको हॉस्पिटल, दिखा देंगे, थोड़ा पानी वगैरह चढ़वा देंगे। इनको कमज़ोरी लग रहा है, इनको ताकत नहीं मिल रहा है, चलने फूलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इनको एक आध दो बोतल पानी वगैरह चढ़वा देंगे, फिर दवा वगैरह करवा देंगे बढ़िया तरह से। और इनका माथा घुरल घुरल टाइप का लग रहा है, एकदम दर्द कर रहा है। तो कैसे लग रहा है वो भी देखते हैं। अगर इधर सीटी स्कैन होता होगा तो यहीं पर सीटी स्कैन करवा देंगे, नहीं तो देखेंगे इधर फिर रांची या रामगढ़, फिर बोकारो, इधर जहाँ बढ़िया होगा वहीं ले जा करके दवा करवा देंगे, चेक करवा देंगे माथा वगैरह। और आप लोग का भी कल का वीडियो में काफ़ी सारा कमेंट आया है दोस्तों कि झाड़ फूँक से कुछ नहीं होता है, दवा करवाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो झाड़ फूँक करवा रहे हैं। हम लोग बोल ही रहे थे कि झाड़ फूँक से कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन मेरा सास ससुर का कहना था कि थोड़ा सा झाड़ फूँक करवा लेंगे, उसके बाद में जो भी होगा वो झाड़ फूँक करने के बाद ही होगा, ऐसा बोले। इसीलिए हम लोग भी मना नहीं किए और बोले कि हम लोग ले जा रहे हैं, तो ले करके इसीलिए आ गए। और हम लोग क्या मतलब ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है ना, उनका भी हक बनता है इनके ऊपर में कुछ अपने स्तर से दवा बीरो करने का, झाड़ फूँक करवाने का। उन लोग को जैसा विचार बुझाया वो लोग किए, अब सुधार वगैरह नहीं हो रहा है तो इसको जो है अब हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा, इलाज करवा देंगे। माथा वगैरह घूमते रहता है तो उस सब का भी सीटी स्कैन वगैरह देखते हैं, करवा देते हैं, और अच्छा तरह से पूरा एकदम डॉक्टर से दिखा करके पूरा एकदम इनको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो है ना बीमारी देखा जाए तो हम लोग जिस समय कर्मा में आए थे ना यहाँ पर ससुराल, उसी समय से इनका जो है थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था, लेकिन बारिश हो रहा था उस समय तो थोड़ा मोड़ा भींग भी गए, तो उसी समय से जो है इनका ज़्यादा दिक्कत हुआ है। और नहीं तो ऐसा दिक्कत नहीं था पहले, उधर पूरा एकदम सब चीज़ बढ़िया हो रहा था, एकदम काम वगैरह भी बढ़िया कर रहे थे, घर में सब भी एकदम खुशी थे, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। लेकिन इधर कारमा से मतलब इनका जो है कुछ ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा भींग गए ना बारिश की वजह से, और तो वही चलते जो हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा असर कर दिया। और रोपा डोभा भी हम लोग किए तो उसमें भी थोड़ा सा ताकत वगैरह लगता है ना, तो सभी को हम लोग मेहनत किए खटे, लेकिन इनको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस कर दिया। तो अब देखते हैं दवा वगैरह करवा करके फिर हम लोग हॉस्पिटल जा करके फिर बातचीत करते हैं डॉक्टर से कि कैसे ठीक होगा। तो सोच रहे हैं सुबह जा करके इनको जो है दवा करवा देते हैं दोस्तों हॉस्पिटल ले जा करके। तो अभी सोच रहे हैं कि यहीं पर रुक जाते हैं ससुराल में ही, और अभी सास ससुर भी नहीं है, उन लोग सभी मिले नहीं हैं, तो इसीलिए हम सोचे हुए हैं कि आज रात यहीं पर होल्ड करते हैं और सुबह ले जा करके दवा करवा देते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद में फिर हम घर चलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।